All right, good morning. Good morning. You're all welcome to Sales Ki Pathshala. Weekly Wednesday, every Wednesday from 9 to 10 we do this program. In today's Sales Ki Pathshala, our topic is very specific. Pricing policy for startups. So, agle ghante jo hum vartalap karenge is going to be focused on ki ek startup organization, ek small and medium enterprises startup organization ko प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है. हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कंपटीशन को देखते हैं. कंपटीशन अगर 100 रुपए ले रहा है तो मैं भी 100 रुपए के आसपास अपनी प्राइस रख देता हूँ. कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो मैं 95 रुपए रख देता हूँ. थोड़ा सा लगता है यार मेरी कॉस्ट ज्यादा है, 102 रुपए रख देता हूँ. बट क्या ये सही तरीका है मार्केट प्राइसिंग करने का, ये हमारा आज का विषय है कि आप किस तरह साइंटिफिकली प्राइसिंग पॉलिसी पे अराइव करेंगे. तो दुनिया में कितने तरह की प्राइसिंग पॉलिसी होती है और क्या क्या लॉजिक यूज होती है प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करने के पहले, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर वन टू वन जाके समझने की कोशिश करेंगे कि आप जिस बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस में किस तरह की प्राइसिंग सूटेबल रहेगी. राइट, तो शुरुआत में हम थोड़ा प्राइसिंग की दुनिया को समझने की कोशिश करें कि प्राइसिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और किस तरीके से उसको साइंटिफिकली अप्रोच करना. तो इसके पहले कि आई गेट इन टू दिस, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है. मिसाल के तौर पे सैलरी, मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स है. धंधा हो या ना हो मुझे सैलरी तो देना ही है. मेरे ऑफिस का बिजली का बिल फिक्स है, धंधा हो या ना हो तो देना ही है. बट कुछ चीजें वेरिएबल है, जैसे सैलरी तो फिक्स्ड है लेकिन एम्प्लॉय का पेट्रोल अलाउंस वेरिएबल है. करेक्ट, क्योंकि जितना ज्यादा वो घूमेगा उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा लगेगा. तो कुछ चीजें हमारे प्राइसिंग में वेरिएबल रहती हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड रहती हैं. ठीक है, तो सेल्स का वो वॉल्यूम जिससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. राइट, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले इंट्रोड्यूस करके आपको बता दे रहा हूं. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और पेबैक पीरियड. क्लास चालू करने के पहले मैं चाह रहा हूं कि आप इन चारों कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए. फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैज टू बी इंकर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर बिजनेस यू आर डूइंग. वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जो आपके बिजनेस के वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ती है या घटती है. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तभी इंकर होगा जब धंधा बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो धंधा हो या ना हो कवर होना ही है. सो वो वॉल्यूम ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं कि कितना सेल हम करेंगे जिसके साथ कि मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए. तो उसको बोलते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बाहर आना. वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. और वो जो समय लगता है, पेबैक पीरियड, मतलब द पीरियड रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट वेयर यू कैन ब्रेक इवन इज नोन एज पेबैक पीरियड. ऑल दिस फोर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, राइट? पेबैक पीरियड मतलब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने के लिए अगर 6 महीने लग रहे हैं, 1 साल लग रहे हैं, तो वो 1 साल का पीरियड को हम पेबैक पीरियड. एम्पिरिकल है, सिंपल है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है. तो इन चीजों को अगर आप समझते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के डेट में जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, व्हाट इज द लॉजिक दैट यू यूज. आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप सभी लोग कुछ ना कुछ प्राइस जरूर रखे होंगे, विदाउट प्राइस तो माल बिकेगा नहीं. तो क्या लॉजिक यूज करते हैं आप, जैसे आपका प्रोडक्ट क्या है, सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर की जो कीमत आपने रखी है वो किस बिना पे रखी है, डिपेंड करता है क्लाइंट की कौन सी या क्लाइंट कैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं. क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो उसके वेरिएबल बनाया जाता है, यानी सर का साइज देख के चट्टी का लगा उसके रिक्वायरमेंट क्या, वही प्रोडक्ट कोई मोटा सा भी मिल गया बड़ा टीका लगाया जाता है, वही प्रोडक्ट 25,000 का मिल गया, वही प्रोडक्ट 18,000 का.
लेकिन उसमें फिर क्वालिटी का भी मुझे आएगा क्योंकि उसने चूंकि थोड़ा गरीब आदमी है तो सांभर में पानी मिला नहीं सांभर में पानी नहीं पूरा पानी का सांभर पिला सकते हैं उससे पानी का सांभर पिला तो वो डिपेंड करता है तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम फ्रॉड बोलते हैं क्योंकि ये एक बिजनेस पॉलिसी के तहत इसको सही नहीं माना जाता है तो ऐसा अगर हम करेंगे तो एक लेवल के ऊपर उठ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उतने लेवल तक धंधा करेंगे जहां एक को दूसरे को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है पर जब हम एक लेवल से ऊपर हो जाएंगे जब मार्केट में लोगों को समझने लगेगा कि ये क्या चार्ज करते हैं तो बोलेगा इसमें फर्क पड़ता है कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट होते हैं और एक होता है रॉयल क्लाइंट जिसके लिए पूरी की पूरी इसके कस्टमाइज तैयार करनी होती है और एक होता है नॉर्मल क्लाइंट जिसका बजट ही नहीं बोलता है 45,000-50,000 पे कर तो उसके लिए रेडीमेड स्क्रिप्ट उठाना ही बेटर बुलाता है क्योंकि 3,000-3,000 को उठाने के बाद 7,000 का सेव करना तो जरूरी है करेक्ट तो चाहे कारण कुछ भी हो देखिए एक जो व्यक्ति मर्डर करता है ना उसकी उसको पूछो क्यों किया तुमने फोन तो उसके वजह एक कहानी रहती है जो सुन के लगता है यार सही है फोन करके सही है वो बोलता है यार मेरे बहन का रेप हो गया था मैंने फोन किया क्या गलत किया ठीक है सही है उस समय लगता है सही है लेकिन कारण कुछ भी हो हमारे बिजनेस के पॉलिसी के पीछे अगर विज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस खुद में फंस के रह जाए आगे नहीं बढ़ पाएगा तो एक तरीका सर ने बताया कि सामने वाले का सर्कस है लेके वो चंदा टीका लगाते हैं जो कि गलत है अपनी डिस्कशन में इसके अलावा और क्या पॉलिसी करते हैं जैसे डॉक्टर साहब आप ओपीडी करते हो तो आप ओपीडी फीस क्या लेते हो बट कैसे आपने हमने कैसे डिसाइड किया तो ये जो है ये कम्युनिस्ट तरीका है प्राइसिंग करने का कि देख लो मार्केट में क्या चल रही है और जो मार्केट में चल रही है जो उसका औसत है जो एवरेज है वो खुद का लगा और पूछा जाए कि भैया ये जो तुमने लगाया इसे तुम्हारा ब्रेक इवन होगा क्या तो तुम बोलो नहीं पता नहीं रखो होगा कि नहीं बट इतना ही मिल रहा है तो हम क्या करेंगे फिर पूछा जाए कि आपका पे बैक पीरियड कब तक आएगा तो आप बोलो पता नहीं कब तक आएगा भगवान भरोसे चल रहा है ना फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट कब होगा आपका फिक्स कॉस्ट कितना है तो आप बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट जो लगने लग ही रहा है लेकिन जितना मिल रहा है उतना ही ले रहे हैं करेक्ट तो ये भी अनसाइंटिफिक हो गया देखते हैं कि क्या करना है बट फाइनली देर हैज टू बी अ लॉजिक लाइक डॉक्टर वैराग ने व्हेन यू प्राइस योर प्रोडक्ट हाउ डू यू प्राइस इट तो ये तीसरा तरीका है प्राइसिंग फिक्स करने का कि भाई मेरा घर में 100 रुपये में पुराता है तो मैं 105 रुपये में बेच अब तुमको घर में 100 रुपये में पुरा रहा है ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है एज ए कस्टमर मैं बोलूंगा कि मुझे क्या मतलब है तुमको कितने में पुरा था कितने में नहीं पुरा था मुझे कोई मतलब नहीं है वी आर कमिंग टू करना क्या है उस पर मिलकर बट अभी हम ये सोच रहे हैं कि जब हम एक प्राइस देते ग्राहक को और मेरी लॉजिक ये रहती कि भाई मेरा खर्चा 95 रुपया है करके मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो ग्राहक के दिमाग में बात आती है कि भाई 23,95 रुपये में क्या करूँ इफ यू आर इनइफेक्टिव इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर प्राइस व्हाट कैन आई डू बट मेरी खरीदी तो मुझे तो 50 रुपये में खरीदना है मुझे तो 70 रुपये में खरीदना है सो देयर इज अ डिस्काउंट अगेन देयर राइट सो यू हैव टू हैंडल दैट So we just discussed what is fixed cost, what is variable cost. You're all clear about it. So commission, bonus, wage, cost, ये सब variable cost के examples हैं. Fixed cost, ठीक है. ये जो मैंने आगे आपको board पे बताया कि जब आप किसी काम को चालू करते हैं तो एक fixed cost involved रहता है तो धीरे धीरे sale जब बढ़ता है तो ये variable element है और ये दोनों को मिला के आपका total cost होता है. मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं इसलिए मैं आपकी ये इम्पोर्टेंट जो स्लाइड्स हैं तो सेटिंग द प्राइसिंग पॉलिसी भाई मैं अपने धंधे में अपनी प्राइसिंग को सेट करने के लिए ये मेरे 6 स्टेप्स सबसे पहले आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज योर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्राइस ऐसा रखूंगा जो मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम दे
तो ये भी एक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, वॉल्यूम सेल्स इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे दो ही आइटम बेचना है लेकिन मैं कमा के बेचना चाहता हूँ, सो प्रॉफिटेबिलिटी इज ए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। दोनों अच्छा है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड्स कि आपका बिजनेस क्या है और आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कहां से अचीव हो रही है। फाइनली बिजनेस इज ऑल अबाउट मैक्स मिनिमाइजिंग द टाइम इन विच यू कैन डू योर ब्रेक इवन एंड देन स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, राइट। तो फाइनली आप क्या कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सो पहले हमें अपनी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब सेट हो जाती है तो उस ऑब्जेक्टिव के तहत हमको डिमांड सेट करनी है कि भाई कितना माल बेचना है, क्योंकि कितना बिक रहा है उसके हिसाब से प्राइस सेट करना गलत बात है, कितना बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिमांड तैयार होगा और डिमांड के तैयार से फिर कॉस्ट एस्टिमेट होगा कि एक्चुअली मेरा कॉस्ट क्या लग रहा है, और फिर एनालाइजिंग कंपिटिटर्स कॉस्ट प्राइसेस एंड ऑफर्स, क्योंकि वास्तविकता की दुनिया में रहना है मुझे, आई कैन नॉट स्टे इन यूटोपिया, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या दे रहा है उसको एनालाइज करेंगे और फिर सिलेक्टिंग ए प्राइसिंग मेथड एंड देन सिलेक्टिंग फाइनल प्राइस। ये मेरा 6 कदम है, हम वापस से इस स्लाइड पे आएंगे क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या होती है हम डिस्कस करना चाहते हैं और अलग अलग प्राइसिंग मेथड्स क्या होती है ये भी डिस्कस करना चाहते हैं। ये दोनों डिस्कस करके वापस से इस पे आएंगे कि कैसे मैं अपने बिजनेस की प्राइसिंग को मेंटेन कर सकूं। 3 तरह की ऑब्जेक्टिव होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, टारगेटेड रिटर्न एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। ये अभी अभी हमने बात किया। अब जैसे सर ने पूछा कि बेटर क्या होता है, भाई बेटर तो फाइनली हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, हम बिजनेस समाज सेवा के लिए तो कर रहे हैं, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए आप वॉल्यूम के थ्रू जाइए या हाई रिटर्न के थ्रू जाइए, डिपेंड करता है आपकी मार्केट कैसी है, आपका कस्टमर कैसा है, मार्केट क्या बढ़ाना है, It depends. Like if Mercedes wants to improve his sales, they cannot go for a high volume policy. If Maruti Alto has to improve its sales, it has to go for high volume. So it depends कि आप pyramid में कहाँ हैं, क्योंकि एक demand की pyramid होती है। तो किसी भी product का customer demand का एक pyramid होता है। आप कोई भी product लेंगे, जैसे आप Maruti 800 लेंगे, तो उसका pyramid का ये demand 0 के बराबर है। बट उसके पिरामिड का ये वाला जो डिमांड है ये 80 के बराबर, ये वाला जो डिमांड है ये 20 के बराबर। लोअर मिडिल क्लास इनकम मैक्सिमम ऑल्टो लेगी, हायर मिडिल क्लास इनकम के भी सेकंड का थर्ड का ऑल्टो हो सकती है, तो वो यहां 20% आएगा, यहां पे 0%, राइट। तो अगर आप ऑल्टो के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको पिरामिड को बेस पर लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मर्सिडीज के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको फिर ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज दिस पेरेटोस रूल व्हिच सेज दैट यू अर्न 80% ऑफ योर ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम 20% ऑफ योर ऑफिस, यानी कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें 100 का जो 20% है उसी के अंदर मेरे प्रॉफिट की गेम रहेगी, मैक्सिमम 80% तो बनाने में लगना में फिक्स कॉस्ट में चला जाए, राइट। मैं आपको कुछ 7-8 प्राइसिंग पॉलिसीज बताना चाहता हूं जो दुनिया भर में चलती है, विद एग्जांपल्स। यहां पर रिटेल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है, बट आप बिजली मत होइए क्योंकि ये आपके इसमें भी एप्लीकेबल है। एक प्राइसिंग पॉलिसी है 1 price policy, जैसे आपने देखा कि चाहे कोका कोला लो चाहे फैंटा लो चाहे स्प्राइट लो चाहे मिरिंडा लो आपको उतना ही प्राइस में मिलेगा, यकीनन बनाने में सेम कॉस्ट नहीं लगती है, किसी को बनाने में थोड़ा ज्यादा लगता होगा थोड़ा कम लगता होगा, बट कंपनी ने 1 price policy कि मेरी सारी प्रोडक्ट का 1 ही price है, okay? अब आप यू कैन डिबेट दैट हाउ इज इट पॉसिबल बिकॉज सम प्रोडक्ट आई विल स्पेंड मोर इन सम प्रोडक्ट आई विल स्पेंड लेस, राइट। That doesn't matter because that is a policy. Like as a sales consultant, I have got a 1 price policy. If you want to meet me personally, I charge you 5,000 rupees for an hour. That is my 1 price policy. In that 1 hour, you make me dance or you want to dance. It's your choice. But it's the same 1 price policy, right? So,
ये एक तरीका है, थोड़ा सा हम 6-7 तरीके को देख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे कि कौन सा तरीका मुझे ज्यादा सूट कर रहा है। तो एक वन प्राइस पॉलिसी है, दूसरा होता है प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। प्राइस लाइनिंग में क्या करते हैं, गुड सर्विस, बेटर सर्विस, बेस्ट सर्विस, यानी प्रोडक्ट वही है लेकिन उसके 3 वर्जन्स बना लेते हैं। जैसे आपने बोला कि एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर और एक कस्टमाइज टू द ट्यून ऑफ एकदम टर्न। प्रोडक्ट सेम है, बनाने वाला सेम है, करने वाला सेम है, लेकिन उसी प्रोडक्ट के 3 अलग अलग लाइंस क्रिएट कर दिया। राइट, आर वी गेटिंग इट, आर वी गेटिंग इट। तो हम ये 3 लाइन क्यों क्रिएट करते हैं, हम ये 3 लाइन इसलिए क्रिएट करते हैं कि मान लो कोई $24 वाला कस्टमर है तो वो $44 सुनकर भागना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए तो बहुत महंगा है। राइट, तो हम अपने प्रोडक्ट के मल्टीपल वर्जन क्रिएट करते हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे कि शैम्पू पहले बिकती थी बॉटलों में, अब धीरे धीरे सैशे आ गए, अब सैशे में भी छोटी सैशे, बड़ी सैशे, सब कुछ आ गया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस, जो एक इतनी बड़ी हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़ी कंपनी को एक छोटा सैशे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बॉटल लेंथ बढ़ा दी, लाइन की लेंथ बढ़ा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक सैशे की, आप एक बॉटल नहीं ले जाना चाहते, आप एक सैशे लेंगे। तो उन्होंने लाइन प्राइसिंग का मेथड यूज किया कि वही प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज कर करके या उसका फॉर्म चेंज कर करके हम अलग अलग प्राइस में बेच करें, ये भी एक तरीका है ना। तो थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल नहीं लेंगे तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें डॉक्टर साहब आपकी एग्जाम्पल दो, आप पेडियाट्रिशियन है तो आपकी ओपीडी तो सेम ओपीडी, बट एक ओपीडी है जैसे मिसाल के तौर पे एक ओपीडी हो सकती है जिसमें कि आप बोलोगे कि भाई आप जिस प्रॉब्लम के लिए उसका निदान तो करते हैं लेकिन आपका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी होगा, इस ओपीडी के लिए आपकी फीस है ₹200, नॉर्मल ओपीडी के लिए आपकी फीस है ₹100 और सिर्फ हेल्थ चेकअप करने ही आएंगे तो आपकी फीस है ₹150। तो अब ग्राहक बोलेगा यार मेरा ओपीडी तो आने ही, मुझे बुखार है, साथ में मैं हेल्थ चेकअप भी करा लेता हूँ, मुझे ₹200 में हो जाएगा, अदरवाइज मैं उसका 150 दूंगा, इसका 100 दूंगा तो ₹250 लगेंगे, ₹50 की मेरी सेविंग हो रही है। अब ये वो करें तो दिन भर में 100 लोग आएंगे तो 10 लोगों को वो अच्छा लगेगा तो 200 देंगे, 90 लोगों को वो अच्छा लगेगा वो 100 देंगे, चलता है हमको। हमने एक प्राइस लाइनिंग मेथड से हमने एक लाइन क्रिएट कर अभी टूगेदर। राइट, तो लाइन क्रिएट मेरा ऐसा प्रपोजल है, रिकमेंडेशन है कि हम सभी ने एक लाइन क्रिएट करना चाहिए, खास करके हम जो लोग सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो है। देखिए ये भी प्रोडक्ट का एग्जांपल है, टायर एक प्रोडक्ट है, उन्होंने क्या कि टायर को कुछ सर्विस से कॉम्बाइन कर दिया, टायर विद अलाइनमेंट, टायर विद बैलेंसिंग, टायर विद चेकअप और इस तरह की लाइन क्रिएट कर दी। एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क मी ऑन दिस? आप किस बिजनेस से हैं मैम? ओके, आई थिंक आई मेट यू वंस एट डीआईए, है ना? ओके, आप सर सेम सॉरी। तो ड्राई फ्रूट का अगर एग्जांपल लें तो पिस्ता बादाम का एक स्टैंड कमोडिटी है, दुनिया में मालूम है कि पिस्ता बादाम की क्या कॉस्ट चल रही है। आप बोलेंगे मेरी पिस्ता थोड़ी अच्छी क्वालिटी की तो चलो ₹800 पर किलो, सॉरी 1 किलो से आप 850 ले लोगे, 950 ले लोगे, लेकिन उसमें मजा नहीं है अगर आप इस तरह की लाइन क्रिएट करेंगे। राइट, सेम पिस्ता विद डिफरेंट पैकिंग एंड क्रिएट अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइन, देन यू विल फाइंड दैट यू विल हैव अ बेटर पिकअप। ओके, दिस इज द सेकेंड प्राइसिंग मेथड। द थर्ड प्राइसिंग मेथड इज मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग, यानी उसी चीज का आप बॉक्स बना दो कि एक पीस लिया, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोल्ड ड्रिंक लो तो ₹90 और उसी कोल्ड ड्रिंक के 3 बॉटल ले लो तो ₹230 की बचत, देखा हमने पैकेजिंग ऑफर। तो उस तरह की पैकेजिंग ऑफर हो सकती है। राइट, जैसे आप लोग सेल्स की पाठशाला में आते हो, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ आप कनेक्ट कर सको, आप सेल्स की पाठशाला में आते हो हमारी नॉर्मल फीस है ₹590, बट अगर हम ये प्राइसिंग मेथड यूज करें कि अगर आप एडवांस में 5 क्लासेस की एक साथ बुकिंग करो तो नॉर्मली 590 × 5 कितना होगा? 1500 होगा, 2500 होगा, सॉरी
2950 का ओके, हम उसको प्राइसिंग करके हम बोले कि हम 2500 में आपको 5 क्लासेस दें। तो क्या किया हमने, प्रीपेड कर लिया, पोस्ट पेड कस्टमर को प्रीपेड कर दिया, क्योंकि आपने 5 जब दे दिया तो 5 बार आओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थर्ड मेथड विच इज नोन एज मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग। दिस इज बंडल प्राइस को, व्हाट आई डिस्कस जस्ट नाउ वाज बंडल प्राइसिंग, नॉट मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग। एंड मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग इज सिंगल प्राइस फॉर टू और मोर ऑफ द सेम प्रोडक्ट, राइट। बंडल प्राइसिंग में वो है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, राइट। ऑड इवन प्राइसिंग, ऑड इवन प्राइसिंग आपने सुना है कहां पे? जो टिपिकल बाटा प्राइसिंग है कि 9 रुपए 99 रुपीज की प्राइसिंग, तो ये भी एक प्राइसिंग मेथड है। और फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी, ये छठा तरीका है प्राइसिंग का। आपने देखा होगा उबेर की प्राइस बदलते रहती है, पीक टाइम में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ऑफ टाइम में प्राइस गिर जाती है। एयरलाइंस की टिकट भी एकदम से फ्लाइट के पहले लो तो बहुत महंगा आता है, 3 महीने पहले लो तो सस्ता आता है। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी, राइट। क्यों करें हम फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी, मैंने कोई भी क्यों करता है, क्योंकि कोई बेवकूफ थोड़ी है, हर आदमी बिजनेस करने बैठा है। सो व्हाई शुड एनीवन डू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग? इसका एडवांटेज क्या है? डिमांड, पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम डिमांड, लेकिन रेज द प्राइस। हाँ, तो एडवांटेज क्या है, वो करते हैं वो। मेरा कहना है कि क्यों करते हैं, कमाने का चांस है तो पूरा कमा लो, ठीक है, एग्री। बट जब नहीं चांस है तो नहीं चांस है तब भी कमाओ। फ्लेक्सिबिलिटी की पावर इन अवर हैंड, कस्टमर देखती है, नीड देखती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है, राइट, सेल भी बढ़ सकती है, दोनों चीज भी बढ़ा सकती है। प्रॉफिट का एवरेज भी चेंज करता हूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो है ये कॉस्ट का है और ये जो है ये प्रॉफिट का है। तो बिजनेस कैसे होती है, जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, शुरू में आपका कस्टमर बेस कम है, आप कम प्राइस लीजिए, जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ रहा है, ये बेस बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है और बेस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट कम होते जा रहा है, ये कस्टमर बेस बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट कम होते जा रहा है, राइट। तो जब आपका कॉस्ट कम है, आप बेस बढ़ाने के लिए प्राइस कम दीजिए, फिर ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट बढ़ देता है। द लॉजिक यूज इज दैट हमें हमारा फिक्स कॉस्ट तो सेम है, फिक्स कॉस्ट नहीं बदल रहा है। तो जब हमारे पास ग्राहक कम है तो हम फिक्स कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं, ट्राइंग टू गेट अ मोर वाइडर बेस। और जैसे जैसे हमारा फिक्स कॉस्ट कम होते जाता है, समवेयर यहां पे हम ब्रेक इवन तक पहुंच जाते हैं, यहां से बाद फिर हम प्रॉफिट कमाना चालू करते हैं, राइट। सो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी एंड नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी। जैसे आप किसी महंगे फाइव स्टार होटल में जाइए तो मर मुड़ने के बाद भी वो 6000-7000 से कम नहीं लेते, क्योंकि बोलते एक बार हमने 7000 से कम ले लिया तो हम फिर फाइव स्टार होंगे कैसे, करेक्ट। आई मीन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू विल नॉट गिव यू अ डिस्काउंट, बोले एक बार हम डिस्काउंट देने लगेंगे तो फिर हम मर्सिडीज कैसे देंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मर्सिडीज लेने। तो अभी भी हमारे देश में लोग हैं जो मर्सिडीज में भी जाकर पूछते हैं कितना माइलेज देता था और क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे देश थोड़ी अलग है, बट प्रेस्टीज प्राइसिंग इज जहां की आप ऑलरेडी आपकी ब्रांड एस्टैब्लिश हो गई है, आप एक मार्केट के शिखर पे बैठे हैं और आप वो प्रीमियम कमांड कर पा रहे हैं और प्राइसिंग के थ्रू आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। कि ऐसा लगता है ना, हमने जाकर बोलते हैं इतना महंगा है, मन में लगता है जरूर अच्छा होगा, इतना पैसा ले रहा है तो कुछ तो होगा इसमें, यू नो, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है। तो दिस इज द प्रेस्टीज प्राइसिंग और प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी। तो नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज प्रोमोशनल प्राइसिंग, हम कभी कभी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशनल प्राइसिंग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैडम के स्टॉक में कोई नया बादाम आया जो वो प्रमोट करना चाह रही है, और रेगुलर बादाम जो बहुत ज्यादा बिकता है, या रेगुलर पिस्ता बिकता है, या कोई भी रेगुलर आइटम जो बहुत बिकता है, उसके साथ में मैंने इसको बांध दिया प्रमोशनल ऑफर कि भैया आप 1 किलो मेरा पिस्ता लोगे तो ये नया बादाम आया है, इसका 100 ग्राम ले लो,
और ये 100 ग्राम जो है एकदम थ्रो अवे प्रमोशन खरीदी प्राइस में हम दे देंगे बिकॉज आई वॉन्ट की पीपल शुड टेस्ट राइट. सो यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसिंग. एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग और साथ साथ में हम पूछते हैं आपसे कि क्या ये प्राइसिंग आपको लगेगा, क्या आपके बिजनेस में ये एप्लीकेबल है. प्रमोशनल प्राइसिंग क्या आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है? है. ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विद इट. आप लोग कनेक्ट कर सकते हो. आप कनेक्ट कर सकते हो इन माइनिंग. देखिए जितनी भी प्राइसिंग यहां दिखाया ना ये हर प्राइसिंग हर एक धंधे में एप्लीकेबल है. समझना पड़ेगा कि कैसे राइट. तो प्रमोशनल प्राइसिंग जैसे आप माइनिंग इक्विपमेंट बेचते हैं अंडरस्टैंड करेंगे माइनिंग अलार्म सिस्टम फायर अलार्म सिस्टम माइंस के लिए बेचते हो एम आई राइट. तो अभी अगर मैंने एक मशीन बेचा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं एएमसी में कमाऊं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में कमाऊं तो नॉर्मली अभी कैसे होता है हम मशीन बेचने छोड़ देते हैं देखते हैं बाद में एक साल होगा तो एएमसी के लिए जाएंगे. अगर हम मशीन के साथ में बोले कि साहब इसमें 2 साल का एएमसी भी हमने लगा के दिया है और एएमसी के लिए हमने इतना पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया तो नॉर्मली अगर मैं एएमसी के लिए 10,000 रूपये लेता हूं तो प्रमोशनल प्राइसिंग के तहत मशीन के साथ मैं 7,000 में एएमसी दे दू लेकिन 2 साल का 3 साल का एडवांस में एएमसी दे दू. सो दैट्स अ प्रमोशनल मेथड ऑफ प्राइसिंग. एग्री राइट सर. हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट प्रमोशनल प्राइसिंग. यू आर अ हर्बललाइफ डिस्ट्रीब्यूटर सो एज अ हर्बललाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट प्रमोशनल प्राइसिंग. Pricing what we can do is that we can in the main product we can give some additional product like there is some product which are for weight loss or maybe for good health and then while promoting good health we can combine the product for the children which are low price along with that. So promotional pricing ki science ye kehti hai ki hum kabhi bhi promotional pricing fast moving goods pe nahi lagate. जो मेरी चलती दुकान है उस पर प्रमोशनल प्राइसिंग मत कीजिए लेकिन चलती दुकान से बांध दीजिए नॉन मूविंग गुड को. तो फॉर एग्जांपल आई गेव मैडम्स एग्जांपल कि पिस्ता चलता प्रोडक्ट है फास्ट मूविंग है पिस्ता 1,000 रूपये किलो है. मैडम मैं हाइपोथेटिकल प्राइस बोल रहा हूँ आपकी मार्केट नहीं बिगाड़ना चाह रहा. तो मान लीजिए 1,000 रूपये किलो पिस्ता का दाम है और बिक रहा अच्छे से मैं 1,000 रूपये को नहीं छेड़ूंगा पर नया बादाम आया है जो मैं मेरी खरीदी 400 रूपये है मैं 500-600 रूपये किलो बेचना चाह रहा हूँ. वो 400 रूपये में बादाम तो 1 किलो नहीं 100 ग्राम का पैकेट प्रोमोशनल ऑफर में 500 रूपये किलो में इसके साथ बांध के बेच तो 500 रूपये किलो का 100 ग्राम 50 रूपये हुआ और यहाँ 1,000 रूपये किलो का 1,000 रूपये हुआ तो 1,050 में मैंने प्रोमोशनल ऑफर के तहत निकाल दिया. यू गेट माई पॉइंट. क्वेश्चन है क्यों करते हैं बस व्हाई शुड वी डू इट. हाँ कम सेल वाला इसलिए है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है. कम सेल वाला इसलिए नहीं क्योंकि उसके औकात खराब है. वो कम सेल वाला इसलिए लोगों को पता नहीं है. तो मार्केट में जो सर्कल चलती है दैट इज नोन एज ट्रायल रीट्रायल हैबिट. सेल्स में ये साइकिल चलती है. तो हम प्रोमोशनल ऑफर इसलिए देते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के ट्रायल कराना चाहते हैं. प्रोडक्ट खराब नहीं है लेकिन प्रोडक्ट लोगों को मालूम नहीं है तो हमने प्रोडक्ट की ट्रायल की. क्योंकि जब जैसे बोलते हैं ना कि आम अच्छा है तो आम चखाओगे तभी तो मैं बोलूंगा कि अच्छा है तभी तो मैं खरीदने आऊंगा. आप अपने अल्फांसो को पकड़ कर बैठे हो अच्छा है अच्छा है अच्छा है वो सड़ गया रखे रखे लोगों को पता ही नहीं. तो वी हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ट्रायल. ट्रायल से भी नहीं होता रीट्रायल कराना भी हमारा ही काम. अगर प्रोडक्ट में दम है तो ट्रायल रीट्रायल के बाद में हैबिट बन जाती है. जब हैबिट बन जाती है फिर जिंदगी भर आपको पैसे देगा वो राइट. तो चूंकि मुझे अपने प्रोडक्ट का ट्रायल इनिशिएट करना है इसलिए मैं प्रमोशनल प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी अपनाता हूं. अब देखिए आप जितने लोग यहां बैठे हैं हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है जो वो ट्राई कराना चाहते हैं. जैसे आपका कहना है कि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि डॉक्टर रवि वैरागड़े
जीन्स लेवल पे काम करते हैं, जेनेटिक्स लेवल पे काम करते हैं, और जेनेटिक्स लेवल पे लोगों को एक नेचुरल हीलिंग देने का प्रॉमिस करते हैं. मैं राइट, दिस इज योर प्रोडक्ट. अब ये सुने बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बिलीफ के लेवल के बाहर है कि ऐसा हो सकता है. समझ में नहीं आता, तो मुझे लोगों को समझ में आए ऐसी ट्रायल क्रिएट करनी. तो मैं एक प्रोमोशनल ऑफर करता हूं कि भाई तुम जब मेरे ओपीडी में आते हो तो साथ में मैं तुमको, हमारा एक क्लिनिक होता है हर हफ्ते, हर मंडे, हर ट्यूजडे, हर महीने में, उसमें आइए. नॉर्मली क्लिनिक 1000 रूपये का होता है, आपको प्रमोशनल प्राइसिंग दे रहा हूं, 100 रूपये में आइए और आके समझिए. तो दैट बिकम्स योर प्रमोशनल प्राइसिंग, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रमोशनल प्राइसिंग फॉर पीपल टू कम एंड हैव अ ट्रायल ऑफ योर प्रोडक्ट. राइट, लाइक इन योर प्रोडक्ट यू आर मेकिंग अ इंद्रधनु एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन विच इज मेंट फॉर ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग टूल. राइट, सो पंकज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही इज ऑल्सो आईटी पर्सन एंड ही मेक्स अ मोबाइल एप्लीकेशन विच हेल्प्स अ पर्सन इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड टूल. राइट, सो हम उसमें क्या ट्रायल करेंगे, वेयर व्हाट इज द नीड फॉर, क्या आप प्रमोशनल प्राइसिंग कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में? कैसे? हमारे यहाँ ऑडिट करेंगे उसमें तो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर मिलेगा. अच्छा नहीं, वो दूसरी प्रोडक्ट हो गई, यानी दो धंधे को मिला रहे. देखिए अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भूल जाइए, आप एक हिंदू धर्म मोबाइल ऐप के ओनर हैं, अभी सिर्फ कुत्ते में जान लीजिए. तो विद इन दैट मोबाइल ऐप हाउ कैन यू डू प्रमोशनल प्राइसिंग. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग योर बिजनेस बेटर, then please go down and subscribe to this channel and give your honest comments, because you are a sales person, I'm a sales coach. If I get your honest comments, I'll be able to do better. And don't forget to share this video with all your fellow salesmen in this world, so that together we make this world a much better place.